सो हेलो व्हाट्सअप गाइस। सो आज की वीडियो में हम एक पोर्टफोलियो का मेन सेक्शन डिजाइन करेंगे। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये दिस इज योर नैव बार और यहाँ पे आपका एक लोगो है, डेट इज पोर्टफोलियो। और यहाँ पे हमने कुछ नैव लिंक्स डिजाइन की है एंड दिस इज योर टॉगल बटन, जिसके थ्रू आप अपने मेन सेक्शन को डार्क और लाइट मोड में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे आपकी पोर्टफोलियो की इमेज होगी एंड देर इज अ डिटेल्स हेयर। ओके, सो लेट स्टार्ट इट्स कोड। यहाँ पे हम कोड में आते हैं और इसका कोडिंग पार्ट स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक HTML फाइल क्रिएट की है, दैट इज योर index.html फाइल, और इसको style.css फाइल से लिंक कर दिया बाय यूजिंग लिंक टैग। ओके, और यहाँ पे हमने गूगल फॉन्ट्स का यूज किया है, सो इसका हम सबसे पहले लेआउट रेडी करते हैं। सो नाउ आई विल कम टू माई index.html फाइल। ओके, सो सबसे पहले हम इसका लेआउट डिजाइन करेंगे। सो लेआउट में आपका क्या है, सबसे पहले आपका नैव बार, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका नैव बार डिजाइन करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे हम हेडर टैग का यूज करेंगे, राइट। और इस हेडर टैग के लिए यहाँ पे हम इसकी क्लास नेम मेंशन कर देते हैं, लेट्स से दिस इज माय कंटेनर। ओके, सो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक डिव क्रिएट करेंगे, यहाँ पे हम एक डिव क्रिएट करेंगे। ओके, सो उसकी क्लास को हम मेंशन कर देते हैं, लेट्स से दिस इज माय पेज हेडर। सो हियर आई विल राइट पेज हेडर, राइट। सो यहाँ पे हम इस डिव के अंदर आएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज योर नैव बार, और इस नैव बार के अंदर आपका एक लोगो है, यहाँ पे आपके कुछ नैव लिंक्स है और यहाँ पे आपका एक टॉगल बटन है, राइट। तो यहाँ पे लोगो के लिए हम एक डिव क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो उसकी क्लास नेम को मेंशन कर देंगे लोगो, और इस लोगो के अंदर हम क्या राइट करेंगे, दैट इज माई पोर्टफोलियो। सो हेयर आई विल राइट पोर्टफोलियो। ओके, सो इस डिव के बाहर आएंगे हम और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करेंगे फॉर माई नैव लिंक्स, ठीक है। सो हेयर आई विल राइट अ लिंक हेयर, दैट इज माई लिस्ट आइटम। ओके, और यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं दिस इज माई होम। ओके, नाउ आई विल क्रिएट अ वन मोर लिस्ट आइटम, सो हेयर आई विल राइट दिस इज माई अबाउट। ओके, सो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, स्किल्स। देन इसके बाद हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, हमारा पोर्टफोलियो। सो हियर आई विल राइट पोर्टफोलियो। ओके, देन हमारा जो लास्ट ऑप्शन है डेट इज कॉन्टैक्ट, सो हियर आई विल राइट कॉन्टैक्ट। ओके, सो ये हमारी अनऑर्डर लिस्ट कंप्लीट हो गई नैव लिंक्स। तो इसके बाद हमारा क्या आता है, हमारा एक टॉगल बटन आता है। तो यहाँ पे हम अनऑर्डर लिस्ट के बाहर आएंगे और एक लेबल टैग का यूज करेंगे, राइट। और इसका क्लास नेम हम मेंशन कर देते हैं, लेट्स से मोड। ओके, सो हेयर आई विल राइट क्लास। ओके, सो यहाँ पे हम लेबल के अंदर आएंगे और एक इनपुट टैग का यूज करेंगे एंड दैट इज माई चेक बॉक्स टाइप। सो हेयर आई विल राइट द टाइप इज चेक बॉक्स, और इसके आइडिया मेंशन कर देंगे, दैट इज फॉर डार्क मोड टॉगल। ओके, सो हेयर आई विल राइट डार्क मोड टॉगल। ओके, देन इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा इनपुट टैग है इसके अंदर हम एक आइकन यूज करेंगे हमारे टॉगल बटन के लिए। ओके, सो ये आपका जो मून का आइकन है, हमें ये आइकन चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जितने भी आइकन है उसको हम कैसे गेट करेंगे, बाय यूजिंग बॉक्स आइकन सीडीएन लिंक्स। सो सबसे पहले आप इस वेबसाइट पे क्लिक करना एंड जस्ट क्लिक ऑन यूजेस, और यहाँ से आपको एक लिंक मिल जाएगा। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो, सो दिस इज योर लिंक टैग, जस्ट कॉपी दिस लिंक टैग एंड पेस्ट इट इन योर हेड टैग, राइट। तो उसके बाद आप क्या करोगे, जस्ट इस यहाँ से आपको क्या करना है, आइकन्स को इम्पोर्ट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको कौन सा आइकन चाहिए, डेट इज योर मून आइकन। सो यहाँ हेयर आई विल राइट मून। ओके, तो यहाँ से आपको अपना आपका मून आइकन मिल जाएगा। सो यू कैन सी हेयर योर आइकन, जस्ट क्लिक ऑन इट, राइट। तो यहाँ से आपको आइकन मिल गया, जस्ट कम टू अवर डिव एंड हेयर आई विल पेस्ट इट। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, दैट इज योर नैव बार पार्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जब आपका ये रिस्पॉन्सिव होगा तो उसके साथ साथ में आपको एक मेन्यू आइकन भी आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो आपका पोर्टफोलियो है उस पोर्टफोलियो के बाद हम क्या करेंगे, एक लेबल टैग का यूज कर लेते हैं और यहाँ पे हम राइट कर लेंगे क्लिक। ओके, सो इस लेबल टैग के अंदर आएंगे और यहाँ पे हम एक डिव क्रिएट कर लेते हैं फॉर माई मेन्यू आइकन। ओके, सो
here I will write an icon tag और इसकी क्लास हम मेंशन कर देते हैं, that is for menu icon, okay? So here I will write, तो ये जो icon है वो आपको official website से मिल जाएगा, आप वहाँ से directly import कर सकते हो, अभी मैं इसको directly यहाँ पे write कर रही हूँ, okay? So now I will create a class here, let's say this is my main icon, okay? So ये हमारा menu icon हो गया, so यहाँ पे आप देख सकते हो, जब आपकी website responsive होगी, so in that case तो यहाँ पे आपका पोर्टफोलियो के बाद आपका एक टॉगल बटन होगा एंड आपका एक मेन्यू आइकन होगा, ठीक है? सो इस मेन्यू आइकन पे क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, जो हमारा नया बार है उसे एक्टिव करना है. सो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक इनपुट टैग यूज कर लेते हैं, दैट इज माई चेकबॉक्स टाइप. सो हेयर आई विल राइट अ चेकबॉक्स, ओके? सो उसकी आईडी हम मेंशन कर देते हैं, दैट इज माई क्लिक. तो यहाँ पे जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो नैव बार है उसे हम क्या करवाएंगे, एक्टिव करवा देंगे, ओके? सो जो नैव बार का लेआउट है वो हमारा रेडी हो चुका है, राइट? देन इसके बाद हम आते हैं अपने मेन सेक्शन पे, और जो अपना मेन सेक्शन है उसको हम डिजाइन करते हैं, ओके? सो आई विल क्रिएट अ सेक्शन हियर, दैट इज माय मेन सेक्शन, ओके? तो यहाँ पे हम इसी क्लास को मेंशन कर देते हैं, लेट्स से दिस इज माय कंटेनर, राइट? सो इस सेक्शन के अंदर आएंगे और यहाँ पे हम एक डिव क्रिएट कर लेते हैं, दैट इज माय मेन डिव, ओके? सो यहाँ पे आप इस डिव के अंदर देख सकते हो, जो आपका मेन डिव है दिस वन, ओके? सो इस डिव के अंदर आपके क्या क्या चीजें हैं, यहाँ पे आपकी कुछ डिटेल्स हैं एंड यहाँ पे आपकी राइट हैंड साइड में आपकी कुछ इमेजेस हैं, ठीक है? तो आप इस मेन डिव के अंदर आप एक टू डिव क्रिएट करोगे, द फर्स्ट फॉर डिटेल एंड द सेकेंड फॉर इमेजेस, ओके? सो हियर आई विल राइट इट्स क्लास नेम, लेट्स से इट्स क्लास नेम इज डिटेल, ओके? देन आई विल क्रिएट अ वन मोर डिव and that div is for images. So here I will write this is my image section. ठीक है, तो यहाँ पे हमने टू div create कर लिए. अब हम डिटेल जो हमारा div है इसके अंदर हम आते हैं और यहाँ पे हम write करते हैं अपनी details को. Okay? So here I will write a h3 tag and then I am writing hi. It's me. Okay? तो यहाँ पे इसके बाद हम एक h1 tag use करेंगे. And now I am writing here, I am खुशबू, okay? तो यहाँ पे हम write करेंगे, जो आपका खुशबू है उसमें उसका जो color है वो आपका different है, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक span tag use कर लेंगे. And now I will write a name, okay? और इसके अंदर हम style property use कर लेते हैं for changing its color, okay? So here I will write that is my color, okay? तो यहाँ पे हम इसका color mention कर देते हैं. I think this is my orange color. So here I will write so यहाँ पे हमें इसका style use करना है. Okay? So this part is complete now. Now I will come to my next part, that is paragraph. So यहाँ पे हम paragraph tag का use करेंगे और यहाँ से हम इसको directly copy कर लेते हैं जो आपका content है. Okay? And now I will paste it here. So this paragraph is part is also complete. Now I will create a one more div and that div is for social icons. Okay, so here I will write social. So यहाँ पे हम इस div के अंदर आएंगे और four social icons हमने use किए, that is for LinkedIn, Insta and GitHub and Facebook. Okay, तो यहाँ पे हम एक anchor tag use करेंगे और इस anchor tag के अंदर यहाँ पे हम icons अपने enter करवाएंगे और उनका class name हमारा क्या होगा, that is my social icons, okay? तो यहाँ पे हम write कर लेते हैं, that is my first social icon, this is my LinkedIn, okay? तो यहाँ पे हमने BXL यूज क्यों किया है, यहाँ पे L हमारा लोगो के लिए है, okay? तो ये डायरेक्ट हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं एंड आई विल पेस्ट इट हेयर, ओके? तो यहाँ से हमें हमारे फोर आइकन्स मिल जाएंगे. सेकेंड हमारा आइकन्स कौन सा है, इंस्टाग्राम का, एंड थर्ड हमारा आइकन कौन सा है, दैट इज फॉर GitHub, ओके? सो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे GitHub, एंड फोर्थ हमारा आइकन कौन सा है, दैट इज फॉर फेसबुक, ओके? तो ये हमारा फेसबुक हमें सर्कल में चाहिए, सो यहाँ पे हम राइट कर लेते सर्कल, ओके? सो दिस पार्ट इज कम्प्लीट नाउ. नाउ आई विल कम टू माई नेक्स्ट पार्ट, दैट इज इमेज सेक्शन, ओके? तो यहाँ पे हम अपने इमेज सेक्शन के अंदर आते हैं और इमेज को इम्पोर्ट करते हैं. सो आई विल क्रिएट अ वन मोर डिव फॉर इमेजेस, ओके? सो इसकी क्लास नेम को हम मेंशन कर देते हैं, लेट्स से दिस इज माई इमेज, और इसकी इमेज को यहाँ पे एड करने के लिए यहाँ पे हम इमेज टैग का यूज करेंगे एंड देन आई विल
राइट माई इमेज. ओके सो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है इसका लेआउट. देन हम इसका डिजाइनिंग पार्ट स्टार्ट करते हैं. ओके सो सबसे पहले हम इसका स्टाइल डॉट सी एस एस जो पार्ट है दैट इज योर सी एस एस फाइल, तो यहाँ पे हमने ऑटोमेटिकली इसको लिंक करते हैं बाई यूजिंग लिंक टैग. ठीक है, तो यहाँ पे हमें इसकी जावा स्क्रिप्ट भी राइट करनी होगी. तो यहाँ पे हम अपने सेक्शन के नीचे आते हैं और यहाँ पे हम राइट करते हैं अपना स्क्रिप्ट टैग, और इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम राइट करेंगे अपना जावा स्क्रिप्ट का फाइल. ओके सबसे पहले हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं हमारे टॉगल बटन के लिए. सो हेयर आई विल राइट दैट इज माई टॉगल बटन. ओके तो यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेंगे. दैट इज माई डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी. राइट सो इसकी जो आई डी है वो हमारी क्या होगी, डार्क मोड टॉगल. ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपका आइकन है दैट इज डार्क मोड टॉगल. ओके सो इसकी आईडी आपकी क्या थी, डार्क मोड टॉगल. तो यहाँ पे हमने डायरेक्टली इसको गेट कर लिया बाय यूजिंग इट्स आईडी. ओके सो नाउ आई विल कम टू माय नेक्स्ट पार्ट दैट इज बॉडी. सो आई विल गेट अ बॉडी हियर एंड दैट इज डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी. ओके देन इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं जो हमारा डार्क मोड है उसको हम सबसे पहले गेट कर लेते हैं कि अगर हमारा डार्क मोड कब होगा. सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं लोकल स्टोरेज, और लोकल स्टोरेज के थ्रू हम गेट कर लेंगे हमारे आइटम को दैट इज डार्क मोड. ओके सो हियर आई विल राइट अ डार्क मोड एंड आई विल यूज अ ट्रिपल ऑपरेटर्स एंड हियर आई विल राइट इनेबल्ड. ओके सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं कि अगर हमारा जो डार्क मोड है वो इनेबल होगा तब हम क्या करेंगे. सो हियर आई विल राइट इज डार्क मोड. तो अगर हमारा डार्क मोड इनेबल होगा तो हमारा जो बॉडी है, बॉडी टैग है, उसके अंदर हमें क्लास लिस्ट ऐड कर देंगे डेट इज डार्क मोड, और जो हमारा डार्क मोड टोगल है उसे हम क्या कर देंगे, इनेबल कर देंगे. राइट तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सो हेयर आई विल एड अ क्लास हेयर इन माई बॉडी टैग. सो हेयर आई विल राइट बॉडी डॉट क्लास लिस्ट डॉट एड. देन हमें कौन सी क्लास लिस्ट ऐड करनी, डेट इज डार्क मोड. ओके सो हेयर आई विल. ओके सो इसके बाद हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं दैट इज डार्क मोड टॉगल एंड हियर आई विल राइट इट्स चेक्ड इक्वल टू ट्रू. ओके सो अगर हमारा डार्क मोड इनेबल होगा तो हम क्या करेंगे, जो हमारा डार्क मोड टॉगल है उसको चेक कर देंगे एंड जो हमारी बॉडी है उसके अंदर हम एक क्लास लिस्ट ऐड कर देंगे दैट इज डार्क मोड. राइट सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं दैट इज माई डार्क मोड टॉगल, और इसके अंदर हम एक ऑन क्लिक फंक्शन नाम की प्रॉपर्टी ऐड कर लेते हैं. सो हियर आई विल राइट चेंज. ओके सो यहाँ पे हमने ऐड वेंटिलेशन नाम की प्रॉपर्टी राइट की है. सो जैसे ही हम अपने डार्क मोड टॉगल को चेंज करेंगे सो यहाँ पे हम एक कॉल बैक फंक्शन राइट कर लेते हैं. सो हियर आई विल राइट अ कॉल बैक फंक्शन. ओके सो इस इफ की कंडीशन में हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं कि जो आपका डार्क मोड टॉगल है वो अगर आपका चेक्ड होगा देन हम क्या करेंगे, एंड अगर आपका चेक्ड नहीं होगा देन हम क्या करेंगे. सो हियर आई विल राइट एल्स कंडीशन. ओके सो अगर आपका चेक होगा तो आप क्या करोगे, जो आपका बॉडी है, आपका जो बॉडी टैग है उसके अंदर आप एक क्लास लिस्ट ऐड कर दोगे दैट इज योर डार्क मोड. सो हियर आई विल राइट डार्क मोड. ओके देन इसके बाद हम क्या करेंगे, जो आपका लोकल स्टोरेज है उसके अंदर हम आइटम सेट कर देंगे क्या, कि आपका जो डार्क मोड है वो क्या रहेगा, इनेबल रहेगा. सो हियर आई विल राइट डार्क मोड इज इनेबल्ड. ओके देन यहाँ पे हम एल्स कंडीशन राइट कर लेते हैं, और एल्स कंडीशन के अंदर हम क्या लिखेंगे, जो आपका क्लास लिस्ट है उसको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे. ओके सो हियर आई विल राइट बॉडी डॉट क्लास लिस्ट डॉट दैट इज रिमूव. ओके देन इसके बाद हम क्या करेंगे, सो ये यहाँ पे जो आपका डार्क मोड है उसे डिसेबल कर देंगे. सो हियर आई विल राइट डिसेबल्ड. राइट सो दिस पार्ट इज कंप्लीट दैट इज योर जावास्क्रिप्ट पार्ट. ओके देन इसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी सी एस एस फाइल में आते हैं और इसका राइट करते हैं इसका डिजाइनिंग पार्ट. सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं अपने ब्राउजर पे, देन वी विल सी. ओके सो यू कैन सी हियर दिस इज योर पोर्टफोलियो दैट इज योर लोगो एंड हियर यू हैव अ इनपुट टैग एंड मेन्यू आइकन्स एंड हियर इज योर नैव लिंक्स. ओके
दैट इज योर टॉगल बटन. ओके सो दिस इज योर डिटेल्स एंड दिस इज योर इमेज राइट. देन इसके बाद हम आते हैं इसकी सी एस एस प्रॉपर्टीज पे. तो यहाँ पे हमने गूगल फॉन्ट्स फैमिली का यूज किया है राइट. सो हेयर आई विल राइट रूट. तो यहाँ पे हम जितनी भी कलर्स यूज करेंगे अपनी पोर्टफोलियो मेन सेक्शन के लिए, सो यहाँ पे हम उन कलर को मेंशन कर देंगे. डेट इज माई प्राइमरी कलर. ओके तो यहाँ पे हम प्राइमरी कलर को मेंशन कर देते हैं. सो हेयर आई विल राइट F9 5 3 and 2 D. ओके देन हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं डेट इज माई प्राइमरी डार्क. अगर आपका डार्क मोड में होगा तो आपका प्राइमरी कलर क्या होगा. सो हेयर आई विल राइट F2 5 and 2 E. ओके देन इसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे और मार्जिन को कर देते हैं 0. ओके पैडिंग भी हमारा 0 हो जाएगा और इसका जो स्क्रॉल बिहेवियर है उसको आई विल राइट अ बॉडी हेयर. सो इसकी जो फॉन्ट फैमिली है उसको मेंशन कर देते हैं. लेट्स दिस इज माय आउटफिट राइट. देन इसके बाद हम यहाँ पे राइट कर लेंगे सेंस सेरिफ. ओके तो यहाँ पे हमने इसकी फॉन्ट फैमिली को सेंस सेरिफ कर दिया है. देन आई विल ऐड सम ट्रांजिशन हेयर. ओके सो ट्रांजिशन हम ऐड कर देते हैं फॉर बैकग्राउंड कलर. ओके सो हेयर आई विल राइट बैकग्राउंड कलर और यहाँ पे हम इसका ट्रांजिशन रख लेते हैं लेट्स से 0.3 सेकेंड और इसका जो कलर है उसको हम कर देते हैं 3 सेकेंड. ठीक है सो हमें इसमें ट्रांजिशन ऐड करनी है बैकग्राउंड कलर और कलर में 0.3 सेकेंड के लिए राइट. देन इसके बाद आते हैं हम अपने कंटेनर पे. डेट वॉज माई मेन कंटेनर और इसमें हम लिटिल बिट पैडिंग ऐड कर देते हैं फ्रॉम टॉप और बॉटम लेट्स से 0 एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आई विल ऐड 8.4. ओके देन आई विल कम टू माई नेक्स्ट पार्ट. सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं इमेज के लिए. सो जो आपकी इमेज है सो हेयर आई विल राइट इमेज. ओके सो इमेज की जो आपकी विड्थ है उसको हम कर लेंगे 100%. ठीक है तो ये पार्ट आपका कंप्लीट हो गया. यहाँ पे हमने इसकी इमेज को 100% लिया है. देन हम आते हैं अपने नेवबार पार्ट में. सो हेयर आई विल राइट अ हेडर हेयर. ओके सो इसकी पोजिशन को हम कर देंगे रिलेटिव. ठीक है देन इसकी पोजीशन को रिलेटिव करने के बाद यहाँ पे हमें थोड़ी सी बॉक्स शेडो भी ऐड करनी है. सो हेयर आई विल राइट अ बॉक्स शेडो हेयर. ओके सो इसकी बॉक्स शेडो हम राइट कर लेते हैं 4 पिक्सल दैट इज योर 17 पिक्सल एंड उसका जो कलर है उसको हम मैंसन कर देते हैं डेट इज योर ब्लैक कलर. ओके देन आई विल ऐड सम बैकग्राउंड कलर लेट्स से वाइट. ओके और इसकी जो पोजीशन है उसको हम कर देते हैं स्टिकी राइट और इसको टॉप से हम कर देंगे 0 राइट. सो यू कैन सी द डिफरेंस. आपका जो नैव बार है वो आपका स्टिकी पोजीशन में आ चुका है और जो आपका डिटेल सेक्शन है डेट इज योर मेन सेक्शन वो आपका स्मूथली स्क्रॉल हो रहा है राइट. देन हम आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे दैट इज योर पेज हैडल. सो हेयर आई विल राइट अ पेज हैडल. ओके सो इसका जो डिस्प्ले है उसको हम कर देंगे फ्लैक्स. ठीक है तो यहाँ पे आप देख सकते हो और उसका जस्टिफाई कंटेंट हम कर देते हैं स्पेस बिटवीन. सो हेयर आई विल राइट अ स्पेस बिटवीन. ठीक है देन आई विल राइट अ लाइन आइटम सेंटर और आई विल ऐड सम पैडिंग लेट्स से 1. ओके सो दिस पार्ट इज ऑल्सो कम्प्लीट. नाउ आई विल कम टू माई नेक्स्ट पार्ट. सो जो आपका लोगो है लोगों का हम फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं लेट्स से 1.5. ओके देन आई विल ऐड सम फॉन्ट वेट लेट्स से 800. ओके सो यू कैन सी द डिफरेंस हियर दैट इज योर पोर्टफोलियो लोगो. देन हम इसके बाद अपने जो एंकर टैग हमने यूज किया था लोगो के लिए सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं एंकर टैग. ठीक है तो उसका जो टेक्स्ट डेकोरेशन है उसको हम कर देंगे नन. तो यहाँ से आपकी जो अंडरलाइन है वो रिमूव हो जाएगी और यहाँ पे हम इसके कलर को मेंशन कर देते हैं दैट इज ओके. सो यहाँ पे इसका कलर हमारा चेंज हो चुका है. देन हम आते हैं अपने नेव लिंक्स के ऊपर. सो नेव लिंक्स में हमने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ पे राइट की थी तो उसका जो डिस्प्ले है ठीक है अनऑर्डर्ड लिस्ट तो उसका डिस्प्ले हम कर देंगे फ्लैक्स ताकि हमारा जो नेव लिंक्स है वो हमारे रो में आ जाए एंड उसमें हम गैप ऐड कर देते लेट्स से 0.6. ओके देन आई विल राइट लिस्ट स्टाइल टाइप सो उसको हम कर देंगे नन. ओके
देन आई विल एड सम बैकग्राउंड कलर. सो हेयर आई विल राइट बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट. ओके, और इसका जो ओवरफ्लो है उसको हम कर देंगे हिडन. देन इसके बाद जो आपके लिस्ट ऑफ आइटम्स है, नेवलिंग्स है, उसका जो डिस्प्ले है उसको हम कर देंगे इनलाइन ब्लॉक. ओके, देन आई विल एड सम पैडिंग हेयर, लेट से 0.3 फ्रॉम टॉप और बॉटम एंड 1 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ओके, और इसका जो टेक्स्ट डेकोरेशन है उसको भी हम कर देंगे नन. देन आई विल एड सम कलर हेयर. ओके, सो यहाँ पे हम कलर ऐड कर देते हैं, दैट इज माय. सो इनिशियली इसका कलर हम प्राइमरी डार्क रखते हैं. ओके, देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई विल इंक्रीज इट्स फॉन्ट साइज, लेट से 1.05. देन आई विल एड सम फॉन्ट वेट, दैट इज 600. ओके, सो यहाँ पे हम इसमें से लेटर स्पेसिंग भी ऐड कर देते हैं, लेट से 0.7 पिक्सल. ओके, देन आई विल एड सम बॉर्डर रेडियस, दैट से 36 पिक्सल. ओके, देन हम यहाँ पे लाइन हाइट भी ऐड कर देंगे, दैट इज 2. देन आई विल एड सम ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, लेट से 0.3 सेकेंड. ओके, सो दिस पार्ट इज कम्प्लीट नाउ, यू कैन सी. देन हम आते हैं अपने लिस्ट आइटम्स पे. सो जब आपके लिस्ट ऑफ आइटम्स एक्टिव होंगे, सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं एक्टिव. ठीक है, तो इनिशियली आपका जो होम आइकन है वो आपका एक्टिव होगा. तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं, डेट इज योर होम आइकन, डेट इज योर होम नेवलिंग्स. ओके, सो इसकी क्लास को हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, डेट इज एक्टिव. सो इनिशियली आपका जो होम नेवलिंग है वो आपका एक्टिव होगा, राइट. देन इसके बाद हम क्या करेंगे, जब भी हम किसी भी नेवलिंग्स पे होवर करेंगे तो हमें क्या करना है, उसका कलर हमें चेंज करना है. सो हेयर आई विल राइट इट्स कलर, और उसका कलर हम क्या मेंशन कर देंगे, दैट इज माय प्राइमरी कलर. ओके, सो यहाँ पे हमने एंकर टैग जब आपका एक्टिव होगा तो इसकी जो क्लास है वो हमें मेंशन करनी, दैट इज एक्टिव. ओके, सो इनिशियली आपका जो होम है वो आपका एक्टिव होगा. देन हम आते हैं इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे. सो जो आपका जो हमने एक इनपुट बार इनपुट टैग हमने क्रिएट किया था फॉर टाइप चेक बॉक्स, सो उसकी आईडी हमने मेंशन की थी क्लिक, तो उसका जो डिस्प्ले है उसको हम कर देंगे नन इनिशियली, वो हमारा हाइड हो जाएगा. तो हमारा हाइड हो चुका है, राइट. देन हम आते हैं अपने मेन्यू आइकन पे. सो यहाँ पे हमने जो मेन्यू आइकन यूज किया था, सो उसका भी डिस्प्ले इनिशियली हम कर देते हैं नन, ताकि वो हमारा हाइड हो जाए. ओके, सो लेट्स कम टू माय मेन्यू आइकन. सो जो आपका मेन्यू आइकन है, सो उसकी जो क्लास है उसको मेंशन कर देते हैं, लेट्स से दिस इज माय मेन्यू आइकन. ओके, सो दिस इज माय आइकन हियर एंड दैट इज माय मेन्यू आइकन. ओके, सो ये जो कंप्लीट डिव है इसको ही हम हाइड कर देते हैं. ओके, सो हियर आई विल राइट क्लास इज मेन्यू. ओके, सो आपका जो जो आपका मेन्यू आइकन है वो आपका हाइड हो चुका है. देन हम आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे. सो हियर आई विल राइट. ओके, सो जो आपका मेन्यू आइकन है, ठीक है, सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं, डेट इज योर मेन्यू. ओके, सो मेन्यू के अंदर जो आपने आइकन यूज किया है, सो उसका जो फॉन्ट साइज है उसको हम इंक्रीज कर देते हैं, लेट्स से 1.4. एंड यहाँ पे हम कर्सर को कर देते हैं पॉइंटर. एंड देन आई विल एड सम कलर हेयर, लेट्स से दैट वॉज माई प्राइमरी कलर. ओके, देन आई विल कम टू माई नेक्स्ट पार्ट. सो जो हमारा मेन कंटेनर है, सो उसके लिए यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं मेन. ठीक है, उसका डिस्प्ले हम कर देंगे ग्रिड. ओके, देन आई विल राइट अ ग्रिड टेम्पलेट कॉलम. सो उसके लिए यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं रिपीट. ऑटो फिट एंड हियर आई विल राइट मिन मैक्स. राइट, देन इसके बाद हम क्या करेंगे, आई विल एड सम रो गैप, लेट्स से 2. ओके, देन इसका जो अलाइन आइटम्स है उसको हम कर देंगे सेंटर में.
ओके सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं एच वन टैग के लिए जो आपका मेन टैग के अंदर है. ओके सो इसका जो फॉन्ट साइज है उसको हम इंक्रीज कर देते हैं, लेट से 4, एंड इसका जो फॉन्ट वेट है उसको हम इंक्रीज कर देते हैं 600. ओके लेट्स सो यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी जो वेबसाइट है, दिस इज योर लोगो, दिस आर योर नेव लिंक्स, एंड यहाँ पे आपको ये जो चेकबॉक्स बटन है इसको भी आपको हाइड करना है इनिशियली. ओके सो सबसे पहले हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं अपने मेन सेक्शन के लिए, सो दिस इज योर माई मेन सेक्शन, राइट. देन हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं आपके मेन टैग के अंदर जो आपका पैराग्राफ है. ओके सो आई विल एड सम लाइन हाइट, लेट से 1.7. ओके और इसका हम फॉन्ट साइज भी ऐड कर देते हैं, लेट से 1.15 rpm. ओके सो यू कैन सी द डिफरेंस हियर. देन हम आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे. सो जो आपके सोशल आइकन्स हैं उसके लिए यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं, दैट इज योर सोशल. ओके सो इसका जो डिस्प्ले है उसको हम कर देते हैं फ्लैक्स, ठीक है. फ्लैक्स रैप हम कर देते हैं रैप. देन आई विल एड सम गैप हियर, लेट्स से 1.4. ओके देन आई विल एड सम मार्जिन फ्रॉम टॉप. ओके देन जो आपके सोशल आइकन्स है, सोशल आइकन्स के अंदर जो आपके आइकन्स हैं उसका डिस्प्ले हम कर देंगे ग्रिड, राइट. और उसका जो प्लेस आइटम्स है यहाँ पे हम उसको कर देंगे सेंटर. राइट एंड देन इसका जो टेक्स्ट डेकोरेशन है उसको हम कर देंगे नन, तो जो अंडरलाइन है वो आपकी रिमूव हो जाएगी. ओके सो उसका जो कलर है यहाँ पे हम राइट मेंशन कर देते हैं इसका कलर, तो यहाँ पे आपका इसका कलर ऐड हो जाएगा. ओके देन आई विल ऐड सम फॉन्ट साइज, लेट्स से 1.5. ओके सो इसके हम बॉर्डर को भी मेंशन कर देते हैं. तो यहाँ पे आपकी बॉर्डर भी ऐड हो चुकी है, या ये हमें बॉर्डर सर्कल में लेके आने हैं, तो यहाँ पे हम इसकी जो बॉर्डर रेडियस है उसको हम 50% कर देंगे, राइट. देन आई विल ऐड सम पैडिंग, लेट्स से 0.39. सो हियर आई विल राइट. देन इसके बाद हमें क्या करना है, इसका जो टेक्स्ट अलाइन है उसे मुझे सेंटर में लेके आना है. ओके सो आप देख सकते हो ये जो आपका मेन सेक्शन है, मेन सेक्शन के अंदर जो आपकी डिटेल्स है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है. अभी हमें एक प्रॉपर्टी और ऐड करनी है सोशल आइकन्स के अंदर. जब हम इस पे होवर करेंगे तो हमें क्या करना है, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर और कलर. सो हियर आई विल राइट सोशल आइकन्स. सो व्हेन आई होवर ऑन दिस, सो इसका जो कलर है मुझे क्या करना है, वाइट, ठीक है. देन आई हैव टू ऐड सम बैकग्राउंड कलर, तो इसका हमें बैकग्राउंड कलर भी ऐड करना है. देन यहाँ पे हमें बॉक्स शेडो भी ऐड करनी है, सो हियर आई विल राइट बॉक्स शेडो. ओके यहाँ पे हमने इसकी बॉक्स शेडो भी ऐड करनी है. देन आई विल ऐड सम ट्रांजिशन प्रॉपर्टी. ओके लेट्स सी और 0.3 seconds is in out. Okay, so this part is complete. Let's see. Okay, तो यहाँ पे हमने इसके next part पे आते हैं. That is my H3 tag. That is hi, it's me. So इसके लिए हम यहाँ पे write कर लेते हैं. तो आपका जो main tag है, main class है, इसके अंदर जो हमने H3 tag use किया था, so उसका जो font size है, उसको हम increase कर देते हैं. Let's say 1.5. ओके सो आपका जो डिटेल सेक्शन है वो आपका कंप्लीट हो चुका है. देन हम आते हैं इसके इमेज पार्ट पे. सो हियर आई विल राइट इमेजेस. ओके सो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो आपका इमेज पार्ट है, दिस पार्ट इज योर इमेज पार्ट. ओके सो यहाँ पे हमने इसी क्लास को मेंशन किया था इमेजेस, राइट. सो हियर आई विल राइट इट्स कंटेंट. देन इसकी पोजिशन को हम कर देंगे एब्सोल्यूट. ओके एंड विड्थ को हम कर देते हैं 100%. देन आई विल एड सम हाइट, लेट्स से कैलकुलेट
100% माइनस 130 पिक्सल, ओके। सो उसको लेफ्ट से हम कर देंगे 50%, देन बॉटम से हम कर देंगे उसको 0, और हमें उससे क्या करना है, लेफ्ट में लेके आना है, तो हम इसको एक्स डायरेक्शन में ट्रांसलेट करवा देंगे। सो हियर आई विल राइट ट्रांसलेटेड फ्रॉम एक्स डायरेक्शन माइनस 50%, ओके। देन आई विल एड सम बॉर्डर रेडियस, लेट्स से 6 पिक्सल, और इसका जो जेड इंडेक्स है उसको हम कर देंगे -1, ओके। सो नाउ आई विल कम टू माई नेक्स्ट पार्ट। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, बैकग्राउंड कलर ऐड करना है। सो यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर भी ऐड कर देते हैं। सो हियर आई विल राइट अ बैकग्राउंड दैट इज माई लीनियर ग्रेडियंट, ओके। सो हियर आई विल राइट 145 डिग्री, ओके। देन इसके बाद हमें क्या करना है, बैकग्राउंड ऐड करने के बाद हमें बॉक्स शैडो भी ऐड करनी है। सो आई विल ऐड सम बॉक्स शैडो, लेट्स से 5 पिक्सल, that is minus 5 pixel. So here I will write minus 5 pixel and then I will add white color, okay. Okay, so यहाँ पे हम write कर लेते हैं images के लिए, ठीक है। So इसकी जो image की width है उसको हम कर देते हैं 100%, राइट। देन आई विल ऐड सम मार्जिन लेफ्ट, दैट इज ऑटो, ओके। सो इसकी जो पोजीशन है उसको हम कर देंगे रिलेटिव, एंड जो इसका जेड इंडेक्स है उसको हम कर देंगे -1, ओके। सो नाउ आई विल कम टू माय नेक्स्ट पार्ट। तो यहाँ पे जब आपका डार्क मोड में होगा, ओके, सो ये जब आपका डार्क मोड में होगा, दिस इज योर डार्क मोड टॉगल बटन, तो उसके लिए यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं, ओके। सो जो यहाँ पे अपने कप का जो मेन्यू आइकन था उसको हमने नन कर दिया था, उसका डिस्प्ले। सो ये आपका टॉगल बटन के लिए होगा, तो यहाँ पे आपका जो टॉगल बटन है वो आपका रेड कलर में आ जाएगा, राइट। Then I will come on our next part. So here I will write dark mode. Okay. So जब आपका dark mode होगा तो उसका जो background color है उसे हम mention कर देते हैं, that is my primary color. Okay. So और जब उसका color है वो हम mention कर देते हैं, that is white. Okay. So यहाँ पे हमें primary color उसका dark mention करना है. Let's see. Okay, so यहाँ पे जब आप चेक कर रहे हो, यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका डार्क मोड में आ चुका है, राइट। देन वी विल कम ऑन अवर नेक्स्ट पार्ट, ओके। सो इसका बैकग्राउंड कलर और कलर हमने चेंज कर दिया। देन हम आते हैं इसके इनपुट बार पे, ओके। सो जो आपका मोड बटन है जो हमने एक डिव क्रिएट किया था मोड क्लास नेम का, तो उसके अंदर जो हमने चेकबॉक्स नाम का जो इनपुट बनाया था उसको क्या करना है, नन करना है। सो हेयर आई विल राइट मोड इनपुट, ठीक है। तो उसका जो डिस्प्ले है उसको हम कर देंगे नन, ठीक है। तो वो हमारा हाइड हो चुका है। देन हम आते हैं अपने सोशल आइकन्स पे। जब आपका डार्क मोड में होगा तो जो आपके सोशल आइकन्स होंगे उसका कलर हम चेंज कर देते हैं, तो उसका कलर हम क्या रखेंगे, डेट वॉज माई प्राइमरी कलर, ओके। देन आई विल एड सम बॉर्डर हियर, लेट्स से
तो जब हम इस पे होवर करेंगे तो वो भी हमें चेंज करना है. सो हेयर आई विल राइट अ डार्क मोड हेयर. सो डार्क मोड में जब आपके सोशल आइकन्स हैं तो जब हम इस पे होवर करेंगे तो हमें इसका कलर चेंज करना है. सो हेयर आई विल राइट अ प्राइमरी डार्क. ठीक है, तो आप देख सकते हो इसका कलर चेंज हो चुका है. देन हमें इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो भी चेंज करना है. सो हेयर आई विल राइट इट्स प्राइमरी कलर. देन आई विल एड सम बोक शेडो. ओके, सो हेयर आई विल राइट अ प्राइमरी कलर. ओके, सो लेट्स सी. ओके, सो दिस पार्ट इज ऑल्सो कम्प्लीट. नाउ आई विल कम टू माई लोगो. सो जब आपका डार्क मोड में होगा, ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो आपका लोगो है उसका कलर हमें चेंज करना है. डेट वॉज माई वाइट कलर. ठीक है, देन इसके बाद हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं इमेजेस के लिए. सो जो आपका इमेजेस है उसमें भी हमें बैकग्राउंड ऐड करना है. डेट वॉज माई लीनियर ग्रेडियंट. ओके, सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं 145 डिग्री. कर दिया, देन आई विल ऐड सम बोक शेडो. ओके, सो यहाँ पे हम बोक शेडो भी ऐड कर देते हैं. लेट्स से 10 पिक्सल फ्रॉम टॉप, 10 पिक्सल फ्रॉम लेफ्ट एंड 19 पिक्सल फ्रॉम बॉटम. ओके, सो यहाँ पे हमने इसकी बोक शेडो भी ऐड कर दिया. लेट्स सी. सो इसकी जो बोक शेडो है वो अभी तक आई थिंक ये आपकी विजिबल नहीं है. लेट्स सी आपके यहाँ पे हमने क्या प्रॉब्लम है. तो ये जो आपकी इमेज है यहाँ पे, सो इसकी जो हाइट है वो हमें यहाँ पे आई थिंक थोड़ा सा गैप इंक्रीज करना है. या सो यू कैन सी ये जो आपका डिव है, ठीक है, वो आपका आपकी जो बॉक्स शेडो है और आपका जो बैकग्राउंड कलर है वो आपका ऐड हो चुका है. लेट्स सी इन वाइट कलर. ओके, सो इट इज विजिबल नाउ. सो दिस पार्ट इज ऑल्सो कंप्लीट. नाउ आई विल कम टू माई नेक्स्ट पार्ट. ओके, सो यहाँ पे हमने बैकग्राउंड कलर और कलर भी ऐड कर दिए. देन हम आते हैं अपने हेडर पार्ट पे. डेट इज योर नेवबार पार्ट. सो जब आपका डार्क मोड में होगा तो हमें क्या करना है, जो हमारा हेडर है उसका बैकग्राउंड भी हमें डार्क करना है. सो हेयर आई विल राइट दैट वॉज माई बैकग्राउंड. सो बैकग्राउंड भी मुझे क्या करना है, वाइट ब्लैक करना है. ओके, डार्क करना है. तो ये जो आपका नेवबार है वो भी आपका डार्क हो चुका है. देन आई हैव टू ऐड सम बोक शेडो. ओके, सो फॉर बोक शेडो आई विल राइट, देन हेयर आई विल राइट 17 पिक्सल. देन जो उसका कलर है उसे हम मेंशन कर देते हैं. ओके, सो ये आपके बॉक्स शेडो भी ऐड हो चुके हैं. देन इसके बाद हम क्या करेंगे, लेट्स सी. सो ये जो आपका जो आपके नेवलिंग्स है मुझे उसके कलर को भी चेंज करना है इनिशियली. सो यू कैन सी हेयर. ओके, सो हमारे यहाँ तक कंप्लीट हो गया. इसके बाद हमें क्या करना है, जो आपका नेव बार है मुझे उसका कलर वाइट करना है. सो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम राइट कर लेंगे कि अगर हमारा डार्क मोड में होगा सो डार्क मोड के अंदर जो आपका एंकर टैग है, जो आपके नेवलिंग्स है उसका कलर हम क्या कर देंगे, वाइट. ठीक है, तो यहाँ पे आप इसके जो कलर है वो आपके वाइट में आ जाएंगे. लेट्स रिफ्रेश दिस वंस. ओके, तो उसके बाद आपको क्या करना है, सो हेयर आई विल राइट कि अगर आपका डार्क मोड में होगा सो जो आपका नेवलिंग्स है, जो नेवलिंग्स आपके एक्टिव होंगे या फिर जिस डार्क मोड में जो आपके नेवलिंग्स हैं अगर हम उस पर होवर करेंगे
तो हमें क्या करना है, उसके कलर को चेंज करना है. डैट वॉज माई प्राइमरी कलर. ओके, सो हेयर आई विल राइट अ प्राइमरी कलर. तो यहाँ पे आप देख सकते हो. ओके, सो इसके बाद आप क्या करेंगे, सो यू कैन सी हेयर कि आपका जो पोर्टफोलियो का जो मेन सेक्शन है इट इज़ कम्प्लीट नाउ. तो इसके बाद हमें क्या करना है, इसका रिस्पॉन्सिवनेस के लिए हमें मीडिया क्वेरीज राइट करनी है. सो हम मीडिया क्वेरीज राइट कर लेते हैं. सो फर्स्टली हेयर आई विल राइट मीडिया स्क्रीन एंड, और इसकी जो मैक्स विड्थ है उसको हम काउंट कर लेते हैं. लेट्स से इसकी मैक्स विड्थ को हम इनिशियली रख लेंगे 1024 पिक्सल. ओके, सो इसमें हम क्या करेंगे, जो आपका मेन कंटेनर है जो हमने डिव क्रिएट किया था कंटेनर क्लास का, उसकी पैडिंग को हम मेंशन कर देते हैं यहाँ पे. लेट्स से फ्रॉम टॉप और बॉटम लेट्स से 0, एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आई विल मेंशन 4.4. ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम दूसरी मीडिया क्वेरीज यूज़ करेंगे. सो हेयर आई विल राइट मीडिया स्क्रीन एंड उसकी जो मैक्स विड्थ है, मैक्स विड्थ को हम मेंशन कर लेंगे लेट्स से 768 पिक्सल पे. ठीक है, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे डैट इज माई एंड. ओके, सो नाउ हेयर आई विल राइट कि जो आपका हेडर है डैट इज योर नेव बार, उसकी हाइट को हम कर देंगे ऑटो राइट. देन हम आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, और जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है दैट इज योर नेव लिंक्स. ओके, तो उसका बैकग्राउंड हम कर देंगे वाइट. ठीक है, और इसकी जो विड्थ है आपकी जो नेव लिंक्स है उसकी विड्थ को हम कर देंगे 100%. एंड यहाँ पे जो उसकी हाइट होगी, हाइट को हम कर देंगे कंप्लीट दैट इज योर 100 VH राइट. देन हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे. सो इसकी जो पोजीशन है उसको हम कर देंगे एब्सोल्यूट, एंड इसका डिस्प्ले हम कर देते हैं फ्लैक्स. सो हेयर आई विल राइट डिस्प्ले फ्लैक्स. और जो आपके नेवलिंग्स हैं मुझे बॉटम में लेके आने हैं, सॉरी जो मुझे कॉलम में लेके आने हैं, सो हेयर आई विल राइट फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम. ओके, इसका जो टेक्स्ट लाइन है उसको हम कर देंगे सेंटर में, ताकि आपके जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाए. और जो टॉप है, टॉप से उसकी जो डिस्टेंस है उसको हम रख लेते हैं लेट्स से 3.4. ओके, सो नाउ इट इज कंप्लीट. अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें मेन्यू के लिए लिखना है. सो हेयर आई विल राइट, तो सो यू कैन सी हेयर दिस इज योर होम, दिस इज योर पोर्टफोलियो राइट. तो अभी हम इसको हाइड कर देंगे. तो सबसे पहले हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं. ठीक है, सो हेयर आई विल राइट कि जो आपका मेन्यू है दैट इज योर मेन्यू आइकन, उसको हमें क्या करवाना है, विजिबल करवाना है. तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं डिस्प्ले ब्लॉक. ठीक है, देन इसका जो फॉन्ट साइज है उसको हम क्या करेंगे 1.5 RM मेंशन कर देंगे राइट. देन इसके बाद आते हैं हम इसका फॉन्ट वेट पे. तो फॉन्ट वेट इसको हम कर देंगे बोल्ड, ताकि हमारा बोल्ड हो जाए राइट. देन इसके बाद हम क्या करेंगे, और इसका जो कलर है उसको हम मेंशन कर देंगे लेट्स से 244. ठीक है, तो इसका हम कलर मेंशन कर देते हैं दैट इज माई ब्लू कलर. ओके, सो यू कैन सी हेयर, तो ये आपका मेन्यू आइकन आ गया. सो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सो जो हमने एक डिव क्रिएट किया था क्लिक आईडी का, सो उसके लिए हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं कि अगर हमारा जो क्लिक है वो चेक होगा. ओके, तो हम क्या करेंगे, जो आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट है, अगर आपका क्लिक होगा तो आपका जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसको हम लेफ्ट से कर देंगे 0%. ओके, लेफ्ट से 0% करने के बाद आई विल एड सम ट्रांजिशन हेयर लेट्स से ऑल 0.3 सेकेंड इज. ठीक है, ओके, सो इसके बाद हम क्या राइट करेंगे, अगर आपका ये डार्क मोड में होगा, डार्क मोड में तो जो आपका मेन्यू है दैट इज योर मेन्यू आइकन, उसका कलर हम चेंज कर देंगे लेट्स से दैट वाज माय प्राइमरी कलर राइट. तो प्राइमरी कलर चेंज करने के बाद हम राइट कर लेते हैं कि आपका जो, अगर आपका डार्क मोड में होगा तो जो आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसका बैकग्राउंड हम चेंज कर देंगे. सो हेयर आई विल चेंज इट्स बैकग्राउंड कलर दैट वाज माय प्राइमरी डार्क. ओके, तो ये आपका डार्क कलर में हो चुका है. देन इसके बाद हम क्या राइट करेंगे, सो दिस पार्ट इज ऑल्सो कम्प्लीट. सो यहाँ पे इसके बाद हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं मोड के लिए. सो हेयर आई विल राइट कि इसका जो पोजीशन है उसको हम कर देते हैं एब्सोल्यूट राइट. देन इसके बाद हम इसको राइट साइड से कर देंगे लेट्स से 6 RM. देन इसके बाद आते हैं हम अपनी इमेजेस पे. सो उसके लिए हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं इमेजेस,
ओके, देन उसकी जो विड्थ है उसको हम रख लेंगे 100%, ओके, एंड उसको लेफ्ट टू राइट से हम कर देंगे सेंटर में, तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं मार्जिन ऑटो। देन आई विल कम ऑन माई नेक्स्ट पार्ट, सो जो आपका मेन कंटेनर है सो उसके लिए हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं मेन, राइट, सो उसको हम मार्जिन दे देते हैं फ्रॉम टॉप डायरेक्शन, सो यहाँ पे आई विल राइट 2 rem, ओके ओके। सो हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, लेट्स सी, तो आई थिंक हमें यहाँ पे जो आपका अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसमें मुझे लिटिल बिट और ऐड करना पड़ेगा, सो इसको हम मैं लेफ्ट से कर देती हूँ, लेट्स सी -100%, ओके। देन इसका जो जेड इंडेक्स है उसको आई विल मेंशन इट, लेट्स से दिस वन, ओके, जस्ट क्लिक ऑन दिस, ओके। देन यहाँ पे हम इसको 768 की जगह हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं 600 pixels, एंड आई विल राइट अ वन मोर मीडिया क्वेरीज हेयर, सो हेयर आई विल राइट मीडिया स्क्रीन, एंड जो इसकी मैक्स विड्थ है उसको हम मेंशन कर लेते हैं, लेट्स से फॉर 768 पिक्सल के लिए, ओके। देन यहाँ से हम राइट कर लेते हैं 768, ओके। सो इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो आपका मेन कंटेनर है, सो हेयर आई विल राइट कंटेनर, सो आई विल एड अ पैडिंग हेयर, लेट्स से फ्रॉम टॉप और बॉटम आई विल एड 0, एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आई विल एड 4.4, ओके। सो लेट्स सी नाउ, सो दिस इज योर पोर्टफोलियो वेबसाइट ऑफ योर मेन सेक्शन, राइट, लेट्स इंस्पेक्ट दिस, ओके। ओके, सो माय पोर्टफोलियो वेबसाइट इज कंप्लीट, सो उसका जो मेन सेक्शन है दैट इज योर डिटेल्स एंड इज योर इमेज, सो वो आपका कंप्लीट हो चुका है विद रिस्पॉन्सिव नेवर एंड विद योर रिस्पॉन्सिव मेन सेक्शन, ओके। सो अगर आपको इसमें कोई डाउट आता है देन आप मुझे कमेंट बॉक्स में राइट कर देना, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, एंड अगर आपको इसका कोड चाहिए देन आई विल प्रोवाइड यू, ओके। और ये जो आपको इमेज है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ओके। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है देन प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन माय यूट्यूब वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल आल्सो, सो दैट यू कैन गेट अपडेट फॉर ऑल वेब डेवलपमेंट वीडियोस, ओके। सो थैंक यू सो मच।